दोस्तों आज हम आपके लिए लाए हैं न्यूज से हटकर अपने सपनों को पूरा करने का आशियाना आप किस प्रकार बना सकते हैं। यहाँ दोस्तों इस वक्त मौजूद हो आप मेरे साथ माँ कैला देवी टाउनशिप में। देखिए यहाँ कितना शानदार माँ कैला देवी टाउनशिप का एक गेट बनाया गया है और साथ ही साथ आप मेरे पीछे देख रहे हो, ये मेरे पीछे हाईवे दिखाई दे रहा है। हाईवे के नज़दीक हाईवे पर यह कॉलोनी बनाई गई है और इसमें देखिए किस प्रकार लोगों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए गेट बनाया गया है। और यहाँ जो मेन गेट मेन रोड है वह 40 फुट के बनाए गए हैं और साथ ही साथ अंदर के रोड जो बनाए गए हैं वो 30 फुट के बनाए गए हैं। और आपको बता दें कि यहाँ से आगरा की दूरी मात्र आपको बता दें कि 10 मिनट में आप आगरा पहुँच जाओगे। तो वहीं आपको यह भी बता दें कि यहाँ से आपको धौलपुर भी काफ़ी नज़दीक पड़ेगा, धौलपुर जयपुर यहाँ से नज़दीक पड़ेगा। तो वहीं आगरा शहर से मात्र यह 10 मिनट की दूरी पर है। और यहाँ कई बढ़िया से बढ़िया यानी कि कई शानदार विद्यालय हैं, जैसे माही और कुणाल जैसे कई विद्यालय बने हैं। और साथ ही साथ आपको बता दें कि यहाँ रेलवे स्टेशन जो कि भाड़ई जंक्शन बन गया है, भाड़ई जंक्शन भी नज़दीक है। और साथ ही साथ आपको बता दें खेड़ागढ़ तहसील और आपको बता दें सैया भी नज़दीक है। यानी ये आपको बता दें कि राजस्थान और आगरा के बॉर्डर पर बना हुआ ये कॉलोनी है जो कि आपके लिए फार्म हाउस से लेकर मकान बनाने तक बहुत अच्छी सुविधा रहेगी। साथ ही साथ आप देख रहे हो यहाँ एक ये सेल्फी पॉइंट भी बनाया गया है, मेरे पीछे तस्वीरों में देख रहे हैं। और साथ ही साथ सेल्फी पॉइंट के साथ साथ आपको बता दें कि यहाँ एक माता मैया का मंदिर भी बनाया गया है। और इस कॉलोनी में कई पार्क दिए गए हैं, 40 फुट के रोड दिए गए हैं। और आपको बता दें साथ ही साथ जो साइड के रोड है और वह दिया गया है, सीवर लाइन अंदर डाली गई है ताकि लोगों को किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। और साथ ही साथ यहाँ एक पानी की टंकी भी बनाई गई है, इस पानी की टंकी से सभी के लिए पानी की सप्लाई होगी और आपको अपनी समरसेबल भी नहीं लगानी पड़ेगी। साथ ही साथ आपको बता दें कि यहाँ देखिए यहाँ जो ये फारा है और ये सेल्फी पॉइंट है, या फारा भी चलता है सेल्फी पॉइंट है। साथ ही साथ शाम को जब भजन चलते हैं मंदिर जो दिखाई दे रहा है उस भजनों के साथ साथ आपको बता दें पूरी कॉलोनी में इस प्रकार के यहाँ म्यूजिक लगाए गए हैं जो कि पूरी कॉलोनी का वातावरण भक्तिमय कर देते हैं। और इस प्रकार आपको बता देंगे यहाँ अनेक प्रकार की तमाम कॉलोनी में KRS ग्रुप के द्वारा यहाँ सुविधाएं दी गई हैं। और इनकी कई साइड हैं, आप देख रहे हो तस्वीरों में, यहाँ ये देखिए किस प्रकार सेल्फी पॉइंट बनाया गया है। और साथ ही साथ आप देखिए ये माता का मंदिर है और हम आपको अंदर दिखाते हैं कि पार्क किस प्रकार के बनाए गए हैं। और यहाँ बिजली की सुविधा है और 143 की सुविधा यहाँ दी गई है। तो हम आपको अंदर लेके चलते हैं, कॉलोनी के अंदर लेके चलते हैं और दिखाते हैं हम आपको कि वहाँ कॉलोनी में किस प्रकार की यहाँ सुविधाएं दी गई। तो ये देखिए आप मेरे पीछे तस्वीरों में देख रहे हैं किस प्रकार मंदिर के सामने सेल्फी पॉइंट पर एक फारा भी चलता हुआ दिखाई दे रहा है जो शाम के बाद बहुत ही शानदार हो जाता है। और अभी देखिए किस प्रकार दिखाई दे रहा है, ये सेल्फी पॉइंट है या फारा भी चलता है ताकि लोग देखिए फारे का आनंद ले सकें, साथ ही साथ यहाँ सेल्फी भी ले सकें। और शाम के वक्त यह नज़ारा कुछ अलग ही रहता है। तो आप तस्वीरों में देख रहे हैं किस प्रकार मुख्य गेट पर मुख्य दरवाजे पर जैसे ही आप कॉलोनी के अंदर प्रवेश करेंगे तो सबसे पहले आपको माँ के दर्शनों के साथ साथ सेल्फी पॉइंट मिलेगा जहाँ आप सेल्फी ले सकते हैं और इस कॉलोनी का पूरा आनंद ले सकते हैं। चलो अब हम आपको अंदर लेके चलते हैं कॉलोनी में किस प्रकार के पार्क बनाए गए हैं और किस प्रकार की रोड बनाई गई हैं। और यहाँ 100 गज से लेकर 165 और 200 वर्ग गज के प्लॉट दिखाई दे रहे हैं, साथ ही साथ 60 वर्ग गज के भी प्लॉट है। तो हम आपको दिखाते हैं अंदर कॉलोनी में क्या कुछ है, इस पूरी कॉलोनी का मामला किस प्रकार अपने सपनों को आप पूरा कर सकते हैं, किस प्रकार अपने सपनों का आशियाना बना सकते हैं। आइए दिखाते हैं आपको अंदर कॉलोनी का नज़ारा। तो आप जैसे ही आप 40 फुट के रोड पर कॉलोनी के गेट से होते हुए अंदर पहुंचेंगे तो आपको अंदर पहुंचते ही आगे चल के कुछ समय के बाद ये देखिए एक पार्क दिखाई देगा। इस पार्क में आप आसानी के साथ घूम सकते हैं और साथ ही साथ आपको बता दें कि इस पार्क का आनंद ले सकते हैं। इस पार्क के साथ साथ और भी कई पार्क बनाए गए हैं, देखिए आप किस प्रकार आप देख सकते हो तस्वीरों में, यहाँ ये भाई साहब बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी प्रकार आप शाम के वक्त यहाँ बैठ के आराम से और लुत्फ़ उठा सकते हैं, शाम के वातावरण का लुत्फ़ उठा सकते हैं। और आपको बता दें कि आप देखिए मेरे पीछे लाइटें भी दिखाई दे रहे हैं, इस कॉलोनी को कितना शानदार बनाया गया है। साथ ही साथ मकानों के सामने पेड़ भी लगाए गए हैं ताकि वातावरण शुद्ध रहे, स्वच्छ रहे। और साथ ही साथ आप तस्वीरों में देख रहे हैं यहाँ किस प्रकार के प्लॉट काटे गए हैं और यहाँ सीवर लाइन डाली गई है। तो आप अपने आशियाना अपने सपनों का आशियाना पूरा करने के लिए यहाँ कभी भी विजिट कर सकते हैं। और देखिए यहाँ किस प्रकार का शानदार पार्क बनाया गया है, पार्क के साथ साथ 40 फुट के रोड दिए गए हैं, 40 फुट के साथ साथ 30 फुट के रोड दिए गए हैं, 30 फुट के रोडों के बराबर पर, 40 फुट के रोडों के बराबर पर आपको बता दें लगभग 5 फुट जमीन
आपको जगह दी जाएगी जिस पे आप वातावरण के लिए आप अपनी स्लिप बना सकते हो, पेड़ लगा सकते हो। हालांकि कॉलोनी पेड़ लगा के दे रहे हैं, कॉलोनाइजर पेड़ लगा के दे रहे हैं, आप भी अपनी सुविधा के अनुसार पेड़ लगा सकते हो, अपने घर को हरा भरा बना सकते हो और साथ ही साथ अपनी स्लिप भी बना सकते हो। रोड पर आप अतिक्रमण नहीं करेगा कोई भी, और एक प्रकार के मकान बनाए जाएंगे। साथ ही साथ कॉलोनाइजरों का कहना है कि वो मकान बनाकर भी देंगे, प्लॉट भी खरीद सकते हो, मकान भी खरीद सकते हो और अपने सपनों को, देखिए यहाँ आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हो, क्योंकि इस शहर की भागम भाग जिंदगी और भीड़ भाड़ से यहाँ आसानी के साथ अपना समय। दोस्तों आपने जाना किस प्रकार कॉलोनी में, जहाँ आपको दिखाया गया कि 40 फुट के मेन गेट बनाए गए हैं और मंदिर है और यहाँ सेल्फी पॉइंट है। साथ ही साथ आप तस्वीरों में देखिए ये यहाँ पार्क भी बनाया गया है। इस प्रकार के बताए गए हैं कॉलोनाइजरों के द्वारा बताए गए हैं कि कई पार्क बनाए गए हैं और पार्क में देखिए किस प्रकार हरियाली दिखाई दे रही है। साथ ही साथ हरियाली के साथ साथ आप देख रहे हैं ये बैठने के लिए, देखिए हमारे भाई साहब बैठे हैं, बैठने के लिए भी यहाँ सीटें डाली गई हैं और शानदार पार्क बनाया गया है ताकि आप शाम के वक्त अपना समय आसानी से। किस प्रकार का पार्क है, साथ ही साथ आप पार्क में देखिए यहाँ लाइट भी लगाई गई है और साथ ही साथ देखिए बैठने के साथ साथ ये घास लगाई गई है और इधर सेल्फी पॉइंट भी बनाए गए हैं। और अब हम आपको एक चीज़ और दिखाते हैं कि 40 और 30 फुट के रोड के अलावा आपको बता दें कि दोनों ओर मकान के दोनों ओर स्लिप बनाने के लिए, मकान की सीढ़ियाँ बनाने के लिए भी यहाँ लगभग 5 फुट की जगह छोड़ी गई है, जिसमें आपको बता दें कि यहाँ कॉलोनाइजरों के द्वारा सीवर प्लांट भी डाले गए हैं। आप ये तस्वीरों में देख रहे हैं, ये जो आपको जो रोड दिखाई दे रहा है, रोड के बराबर में देखिए यहाँ किस प्रकार के पेड़ लगाए गए हैं और पेड़ों से हरियाली बनाई गई है और हरियाली के चलते यहाँ आप इस कॉलोनी को देखिए किस प्रकार वातावरण युक्त बनाया गया है और प्रदूषण से पूरी तरह इस कॉलोनी को दूर रखा गया है ताकि यहाँ प्रदूषण ना फैले। साथ ही साथ प्रदूषण से दूर करने के लिए कॉलोनी के अंदर आपको बता दें कि यहाँ सीवर लाइन अंदर डाली गई है और साथ ही साथ देखिए खूबसूरत पेड़ भी लगाए जा रहे हैं ताकि यहाँ किसी प्रकार की लोगों को परेशानी ना हो। और 30 फुट के रोडों पर और 40 फुट के रोडों पर देखिए यहाँ जो एक और सीवर प्लान दिखाई दे रहा है, सीवर लाइन दिखाई दे रही है आपको तस्वीरों में, देखिए ये सीवर लाइन दिखाई दे रही है और सीवर लाइन के साथ साथ आप देखिए तस्वीरों में और ये लगभग पाँच फुट ये जगह छोड़ी गई है ताकि आप रोड पर अपनी स्लिप ना बनाएं और लोगों को असुविधा ना हो बाहर निकलने में, गाड़ियां निकलने में। अपने सपनों का आशियाना पूरा करने के लिए इस कॉलोनी में कभी भी विजिट कर सकते हैं। हम आपको नीचे नंबर देंगे, उस नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं, उन नंबरों पर संपर्क करके आप अपने सपनों का आशियाना इस कॉलोनी में बना सकते हैं। और साथ ही साथ आपको बता दें कि यहाँ आप फार्म हाउस भी बना सकते हैं। शहर की भागम भाग जिंदगी और भीड़ भाड़ से अलग यहाँ एक अपना सुंदर और अच्छा मकान बना सकते हैं। चोप सिंह सक्सेना, आगरा।